उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण बीजेपी के लिए पहले चरण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लेकर रुहेलखंड इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले की 55 सीटें हैं। दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 38 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 15 सीटें सपा के पास है और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। दूसरे चरण में किन 9 जिलों में होने हैं चुनाव? सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में से 38 सीटें भाजपा को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। सपा के खाते में आई 15 सीटों में से 10 पर पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जबकि पहले चरण की 58 सीटों में भाजपा ने 53 सीटें जीती और सपा तथा बहुजन समाज पार्टी को 2-2 तथा राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट ही मिली थी। इन इलाकों में 20% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस जुटी है। तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से लेकर डॉक्टर अय्यूब अंसारी की पीस पार्टी जैसी मुस्लिम पार्टियों की नजर भी इस वोट बैंक पर है। वहीं इस बार बीजेपी भी मुस्लिमों को गले लगाने की कवायद में है। दूसरे चरण की हॉट सीटें नकुड़, देवबंद, कुंदरकी, चौंदसी, चंदौसी, स्वार टांडा, रामपुर, रामोपर, शाहजहांपुर, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ, तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा। 2022 के चुनाव को लेकर मुस्लिमों को लेकर सियासी दलों के बीच शहमात का खेल शुरू है। ऐसे में अखिलेश यादव की सपा क्या मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद होगी या फिर बीजेपी को हराने के लिए सपा के बाद बसपा और कांग्रेस को मुस्लिम वोटर तवज्जो देगा? क्या सपा मुस्लिमों की पहली पसंद बनेगी? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की अच्छी पैठ मानी जाती है। सूबे में 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटर्स के साथ सपा के MY समीकरण के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस के चलते सूबे में जो माहौल बदला उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा को मिला। इसी के चलते बीजेपी नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर घेरते रहे और अब CM योगी आदित्यनाथ इन दिनों अखिलेश यादव को अब्बा जान के जरिए घेर रहे हैं। यूपी के सियासी माहौल में अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोटों को अपना कोर वोट बैंक मानकर चल रहे हैं। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए मुस्लिम यादव वोट बैंक में अन्य OBC के वोटों के कुछ हिस्से को जोड़ने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हैं। बीजेपी के सूबे में सत्ता में होने के चलते जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें अभी तक मुस्लिम के बीच सपा सबसे पहली पसंद मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस से लेकर सपा और मुस्लिम पार्टियां यादव मुस्लिम समीकरण को तोड़ने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस क्या मुस्लिमों का विश्वास जीत पाएगी? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने 3 दशक से चले आ रहे हैं। सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए मुस्लिम वोटों पर नजर गढ़ाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तमाम जतन कर रही हैं। CNRC विरोधी आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी के अल्पसंख्यकों के साथ खुलकर खड़े होने को कोणीय मुकाबले की सूरत में बीजेपी को मात देने के लिए कई बार मुस्लिम वोट हाथी पर सवारी कर चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत की एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित केमिस्ट्री के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी था।
ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 मुस्लिम बसपा से सांसद बने थे, जिनमें 2 पश्चिमी यूपी और 1 पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बसपा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पश्चिमी यूपी की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर मायावती दलित मुस्लिम समीकरण को अमली जामा पहनाने में जुटी हैं। क्या मुस्लिमों के दिल में जयंत के लिए बनेगी जगह? मुजफ्फरनगर दंगे के चलते पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिसका खामियाजा राष्ट्रीय लोक दल को 3 चुनाव से उठाना पड़ रहा है। आरएलडी की कमान अब चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के हाथों में है और किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की सियासी उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसके चलते जाट मुस्लिम एकता के लिए पश्चिमी यूपी में आरएलडी भाईचारा जिंदाबाद के तहत तकरीबन 300 छोटे बड़े सम्मेलन करा चुकी है। सपा के साथ आरएलडी का गठबंधन भी है। ऐसे में आरएलडी जाट के साथ साथ मुस्लिमों के विश्वास को फिर से जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। बहरहाल सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी सभी की नजर इस मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में यूपी के दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता किस तरह रुख होगा, ये तो आने वाला 10 मार्च का परिणाम ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।